welcome back to my channel and welcome to another vlog, another beautiful day. आज तो है सनी डे बाहर, लेकिन नीचे देख सकते हो कि आप बाहर प्रॉपर बर्फ जमी हुई है, इतना ज्यादा कोहरा जमा हुआ है ना, प्रॉपर ब्लैक आइस है। गाड़ियां जब बाहर निकालते हो ना सड़क पे तो ऐसे स्लिप स्लिप करके जाती हैं। इवन कि मैं भी सुबह यहाँ से स्लिप होने वाली थी लेकिन मैं बच गई, कोई दुआएं काम आ गई, माँ की दुआएं काम आ गई मेरे। लेकिन खैर बाहर ठंड बहुत ज्यादा है, लेकिन डल डे नहीं है, ऑब्वियसली सन निकला हुआ है तो इट इज अ नाइस सनी डे, लेकिन ठंड बहुत ज्यादा है। खैर आज तो ना मैं अभी आप लोगों को हालत दिखाती हूँ घर की। इतना खलारा है, मतलब खलारा वो कि इतनी ज्यादा चीजें इकट्ठी हुई हुई हैं। आप लोगों ने लास्ट व्लॉग में मेरे देखा होगा कि इतनी ज्यादा मैं शॉपिंग करती फिर रही हूँ, किसी वजह से जो मैंने आप लोगों को बताया भी था कि वो वजह मैं आप लोगों को कुछ दिनों बाद व्लॉग में दिखाऊंगी। बट अभी ये देखो भाई, ये पैकेज, एक इसके नीचे पैकेज, एक ये पैकेज, ठीक है, ये पैकेज पड़ा है, उसके बाद ये सारे बैग्स पड़े हुए हैं, भरे पड़े हैं, और उसके अलावा ये देखो कितनी चीजें हैं, कितना खिलारा है। ये बच्चों का खिलारा पिछले 5 व्लॉग से मैं दिखा रही हूँ कि ये खिलारा उठाना है, लेकिन मुझसे उठाया नहीं जा रहा। अभी तक मैंने कोई काम नहीं किया, सुबह आके बच्चों को स्कूल से छोड़ के मैंने आके बस कॉफी पी है, मम्मा से फोन पे बातें की हैं, और उसके बाद अभी मैं जा रही हूँ मीरा को स्कूल से पिक करने, और मीरा को स्कूल से पिक करने के बाद मैं जाने वाली हूँ शॉपिंग पे किल्डेयर विलेज एज यूजुअल, जहां मैं पाई जाती हूँ किल्डेयर विलेज, क्योंकि मुझे वहां से एक दो चीजें लेनी है। और कल मैं रोमिंग अराउंड करके आई थी, विंडो शॉपिंग करके आई थी, चीजें देख के आई थी, बट उनमें से कुछ चीजें मुझे पसंद आ गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जाके वो ले आऊं, बिकॉज इतनी नाइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेलें चल रही है ना कि ऐसी चीज गायब हो जाती है, और मतलब स्टॉक आउट हो जाती है, पता भी नहीं चलता, और बाद में मिलती भी नहीं है। तो अभी मैं सोचूं कि आज ही वो ले आऊं, ताकि मुझे ये ना हो कि बाद में हाय मुझे तो वो चीज पसंद थी और वो गायब हो गई है। तो खैर अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब मेरे चैनल, मुझे सांस क्यों चढ़ जाता है चलते चलते। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकन। अभी चलते हैं मीरा को लेने स्कूल से, और उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अगर मुझे वो चीजें जो मैं कल चूज करके आई थी मिल गई तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी, अगर नहीं मिली तो फिर अल्लाह हाफिज है, दैट्स फाइन। तो यार अभी मैं नीचे तो जा रही हूँ, लेकिन अभी मैं थोड़ी देर में ये ना पैकेजेस आज आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ ओपन करूंगी, आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने क्या मंगवाया है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इतने सारे पैकेजेस किस चीज के हैं। लेकिन मैंने सोचा था कि मैं इन पैकेजेस की अनबॉक्सिंग का बनाऊंगी व्लॉग और आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने कितनी ज्यादा बच्चों की, और अपनी थोड़ी सी है, बच्चों की ज्यादा है, तो क्या क्या शॉपिंग की है, क्या क्या चीजें मंगवाई हैं। यार मुझे इतनी प्यारी ड्रेसिंग मिली है ना इनकी, सब कुछ अभी आप लोगों के साथ थोड़ी देर में शेयर करूंगी। मैं मीरा को लेके शॉपिंग पे थोड़ा सा घूम फिर के फ्री होके आके फिर हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं एक साथ। चलो भी हम लोग शॉपिंग से आ गए थे, कुछ खास लिया नहीं, बल्कि कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ मीरा को डोनट लेके दिया मैंने, और जहाँ से शॉपिंग करनी थी बस वो चूज ही नहीं हो रहा था, तो इतना टाइम लग रहा था, और मरवा के स्कूल का टाइम हो गया। अभी मैंने मरवा को स्कूल से लिया है और अभी हम जा रहे हैं घर, और अब बस घर जाके ना सबसे पहला काम करना है हमने, जो मैंने सुबह आप लोगों को पैकेजेस दिखाए थे उनकी अनबॉक्सिंग। यस, क्योंकि मरवा को इतना शौक ही पता क्यों चढ़ा है क्योंकि इसका उसमें बैकपैक है, इसलिए इतनी एक्साइटेड हो रही है उस पैकेजेस को लेके। सो गाइज, बच्चों को स्कूल से लाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी क्योंकि मेरा सुबह से आज इतना सर दुख रहा है ना, मुझे नहीं पता शायद मैंने ये जो हेयर स्टाइल बनाया हुआ ना सुबह से, शायद इस वजह से उठला है, लेकिन दुख रहा है। लेकिन जब सुबह उठी थी ना सो के, तभी से दुख रहा है, पता नहीं क्यों ठीक नहीं हो रहा। मैं सोच रही हूँ कि मेडिसिन खा लूँ जाके, बिकॉज मुझे होता है कि एवं फजूल में क्यों मेडिसिन खानी है, बट आई हैव टू टेक मेडिसिन नाउ। बट उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि अनबॉक्सिंग कर ही लूँ ताकि जो मेरा काम है ना वो फिनिश हो जाए। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि ये पैकेजेस उठा के लेके जाऊँ एक जगह बैठ के ना, इन सब पैकेजेस को ओपन करते हैं, तो एक एक करके मैं उठाती हूँ, क्योंकि एक हाथ में मेरा फोन है और एक हाथ में मेरा पैकेज है। सो मैं सोच रही हूँ यहाँ पे बैठ जाती हूँ, इस रूम की लाइट्स भी ज्यादा है और मेरे पास ये जगह भी है साफ सुथरी सी, और मैं आप लोगों को चीजें जरा ज्यादा अच्छी तरीके से दिखा सकती हूँ। ये चीजें हम साइड पर रख देते हैं, सारे जहान का खलारा
मेरे घर में डला हुआ है, एक्चुअली मैंने ही डाला हुआ है। साथ साथ समेट लो तो क्या ही बात है, फिर जब लेजी हो जाता है बंदा तो फिर यही हाल होता है। आप लोग मेरी आंखों से देख सकते होंगे कि हालांकि मैं इतनी देर रेस्ट करके हटी हूँ, स्टिल आई एम सो लेजी, बट आई हैड टू गेट अप नाउ एंड डू माई वर्क। और अनबॉक्सिंग करनी थी, चीज़ें देखनी है, बच्चों के जो साइजेस वगैरह उनको देखना है कि ठीक है नहीं ठीक, अगर कोई मसला है तो उनको रिटर्न में डालूंगी फिर मैं। बट अभी मैं आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कि इसमें से क्या जादू का पिटारा निकलने वाला है। सो गाइज, अभी मैं यहाँ पे अपने पोटलियाँ लेके बैठ गई हूँ और अब हम इसको करेंगे बारी बारी ओपन, ठीक है। मुझे सबसे आराम से जगह यही लग रही थी, मैंने सोचा यहाँ पर कारपेट पे बैठो और आराम से खोलना शुरू कर दो, क्योंकि इधर ही अगर खिलारा भी डल जाएगा ना तो मैं यहाँ पे सेट करके रख दूंगी चीज़ों को अलग अलग से, और भी यहीं से उठा के जो चीज़ जहाँ जिस जगह पे जानी होगी ना वहाँ पे रख दूंगी। तो अभी सबसे पहले ना हम लोग इसको ओपन नहीं करते हैं क्योंकि ये है मेरा, ये लास्ट में करेंगे। अभी हम लोग ना सबसे पहले इसको ओपन करते हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें। तो भी मुझे लग रहा है इसमें कुछ ज़्यादा ही है जो इतना भर के आया हुआ है बॉक्स में उन्होंने भेजा है, क्योंकि मुझे शीन से आज तक बॉक्स नहीं आया। जब चीज़ें ऑब्वियसली ज़्यादा होती हैं तो ही बॉक्स आता है। तो इसमें है बच्चों की चीज़ें। ओके जी, सबसे पहले ऊपर जो निकला है, मैं अभी आप लोगों को पैकेट्स खोल के नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें तब खोलूँगी जब मैं इनको यूज़ करना चाहूँगी, बच्चों को देना चाहूँगी। तो सबसे पहले है ये वाला इनका बैग, ठीक है। दिस वॉज रियली नाइस, इतना क्यूट सा, ये देखिए ऊपर इसके बटरफ्लाई भी बनी हुई है, अगर आप लोग को इसके अंदर से नज़र आ रहा है, ठीक है। इसके अंदर बटरफ्लाई भी बनी हुई है क्यूट सी, ये वाइट कलर का है। एक और इस तरह का बैग है, वो भी निकलता है तो मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये है टाइट्स बच्चों की, होल सेल की उठाई लग रही है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी क्योंकि बाहर से भी लो तो टाइट्स काफ़ी ज़्यादा आजकल एक्सपेंसिव आती है, तो मुझे था कि चलो एक जगह से मैं मंगवा लेती हूँ। दो सेट मंगवाए हैं, एक मरवा का है और एक मेरा का। आई डोंट नो मेरे साइजेस डिफरेंट मंगवाए थे कि सेम मंगवाए थे, आई होप ये 8-12 है और ये भी 8-12 है। काफ़ी बड़े साइज मंगवा लिए हैं बट आई होप आ जाएंगे, क्योंकि मेरा को मैं ना अब थोड़ी बड़ी टाइट्स बनाती हूँ, जब नॉर्मल टाइट्स बनाई होती है ना छोटी ज़रा पूरी पूरी, तो बार बार उस बेचारे की ना टाइट्स नीचे गिरी होती है, तो इसलिए मैंने ना टाइट्स ज़रा प्रॉपर बड़ी वाली मंगवानी शुरू कर दी है। अच्छा अभी नेक्स्ट क्या चीज़ है, नेक्स्ट है इनकी ये वॉच, बड़ी प्यारी क्यूट सी वॉच थी ये। मैं ना आपको साथ साथ आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे फोटोज़ में आई जा रहा है जो जो चीज़ आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो पैकेट में नज़र नहीं आ रहा, तो आप लोगों को यहाँ पे या यहाँ पे मैं कहीं भी इसकी फ़ोटोज़ कभी यहाँ कभी ये वहाँ लगा दूंगी, तो आप लोग साथ साथ उसमें से देखते रहना, तो वो ज़्यादा ज़रा फोकस जो है ना पॉपअप होके दी हुई है। शीन की जो एग्जैक्ट वेबसाइट की फोटोज़ होंगी ना उसी की दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को साफ नज़र आए, ठीक है। ये इनकी छोटी छोटी ज्वेलरीज हैं, एक ये ज्वेलरी है और एक ये ज्वेलरी है, ठीक है। दे लव एक्सेसरी, दे लव ज्वेलरी। अच्छा ये एक उसी तरह की वॉच स्टाइल में बना हुआ है, वॉच ही है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट कलर्स हैं, शेड्स डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद इनकी मंगवाई है मेरे ये छोटी छोटी पिंस स्टार्स वाली, एंड उसके बाद ये बटरफ्लाई वाली पिंस, ये दो तरह की है, एक वाइट है एंड एक रेड है। आई डोंट नो मैंने कौन सा कलर ऑर्डर किया था, मुझे लगता है मैंने रेड ऑर्डर नहीं किया था बट रेड आया है, तो आई विल टैली विद माई बिल कि मैंने क्या ऑर्डर किया था और आया क्या है। अच्छा एक ये शूज़ आया है, वो भी साइज़ मुझे लग रहा है कि मैंने बड़ा ऑर्डर कर दिया था। आई होप ये मरवा को शूज़ आ जाए, लेकिन अगर नहीं आए तो ऑब्वियसली मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा या एक्सचेंज करवाना पड़ेगा। ये वाले देखें शूज़ कितने प्यारे हैं, माशाल्लाह इतने क्यूट शूज़ आ रहे हैं। अच्छा ये मैंने ना 31 यूरो साइज़ मंगवाया है, बट इसको मैंने लास्ट वीकेंड जब हम लोग शॉपिंग पे गए थे ना, तो इसको जो शूज़ का साइज़ आ रहा था ना वो आ रहा था 30, तो मैं अभी पहना के देखूँगी, अगर बिल्कुल थोड़ा सा फ़र्क हुआ ना तो दैट्स फाइन, बिकॉज थोड़ा अरसा बात आ जाएगा। आई होप मतलब छोटा हो तो प्रॉब्लम होती है, मुझसे तो बैठे नहीं जा रहा है, नीचे थक गई मैं पहले। अच्छा छोटा हो तो प्रॉब्लम होती है, बड़ेगा इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए ये बहुत क्यूट है, यहाँ पर साइड पे फोटोज में देख सकते हैं कि इतनी क्यूट फोटो में मुझे लग रही थी ना, तो आई होप ये पहनने के बाद भी अच्छी लगेंगी। उसके बाद अच्छा उसके बाद ये है मेरा का बैग, जो मेरा जिस दिन से पैकेज आया ना उस दिन से मांग रही है मामा माय यूनिकॉर्न बैग, अभी उसको मैं पास दूंगी, थोड़ी देर में देखना भागती हुई आएगी,
एंड शी लव दिस रेड बोल्ड यूनिकॉर्न थिंग्स. तो उसका बैग आ गया क्यूटी पाई सा, लेकिन मुझे लगा था इसका साइज बड़ा है. मुझे मैंने बड़ा सोच के मंगवाया था, लेकिन ये इतना बड़ा निकला नहीं है. बट दैट इज़ फाइन, बच्चों ने पहना अच्छी बात है. छोटा साइज है, बेचारी कहाँ संभालती फिरेगी. ये पिंस का, पिंस कह रही हूँ मैं, ये पोनीज का एक पैकेट मंगवाया है. सारे जहान के कलर्स हैं इसमें. उसके बाद ये है कुछ कपड़े. ये मरवा का एक ड्रेस है. आप लोग यहाँ पे साइड पे फोटो में देख सकते हो कि कितना नाइस ड्रेस है ये रियल में देखने में. ठीक है, मैं ये अभी पैकेट्स ओपन नहीं करेगी, क्योंकि पैकेट्स ओपन कर दिए ना तो इनकी जो पैकिंग है ना वो सारी ख़राब हो जाएगी. और ये कौन से वाला है, यप ये भी मरवा मेरा में से किसी एक का ही है, लेकिन ये एक ये ड्रेस है. उसके बाद ये एक पिंस का पैकेट है. ये मुझे बहुत काम आती है. दे लव बोज एंड बटरफ्लाइज, तो वैसी देखने में है ना, तो उनको बहुत पसंद है. अच्छा, जो मैंने आपको फर्स्ट शुरू में एक बैग दिखाया था ना वाइट कलर का विद बटरफ्लाई ऑन द बैक, ये है उसका द अलग वर्जन ऑफ दी लाइक रेनबो स्टाइल ना. ये बहुत नाइस लग रहा था मुझे. तो एक बच्चा वाइट ले लेगा, जो ड्रेस पहना होगा उस दिन उसके हिसाब से वो कैरी कर सकती है ना. तो ये मीरा का है, और इसको अभी आप फोटो में देख सकते हो कि फोटो में ज़्यादा आपको नजर आएगा. इतना क्यूट सा लग रहा था ना. मेरा लव यूनिकॉर्न थिंग्स. मेरा को यूनिकॉर्न वाली चीज़ें, मल्टी कलर वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है. अच्छा, उसके बाद ये जैसा मेरा मरवा का मैंने आपको जो ब्लू ड्रेस अभी दिखाया ना, ये उस तरह का एक ड्रेस है, लेकिन शेड है ये ग्रीन. बहुत प्यारा ड्रेस लग रहा था मुझे. तो एक ये हो गया, और दैट्स इट. इसमें एक ये ज्वेलरी रह गई है, एक ये ज्वेलरी है. ठीक है, दैट्स इट. एक पैकेज तो हो गया है ख़त्म. अभी मैं ना सीज़र उठाती हूँ, क्योंकि ये जो पैकेज है ना, ये सीज़र के बगैर खुलेगा नहीं. ओह, दिस इज़ टू हैवी. ओके, जो फर्स्ट ड्रेस है वो ये है. ये मरवा मेरा किसी एक का होगा, मुझे पता नहीं है किसका है, अभी पता चल जाता है. 7 ईयर का है, तो ये पक्का मरवा का ही होगा, क्योंकि मेरा को आता है 6 to 7 years, समटाइम्स 7 years आता है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों में. तो ये एक ड्रेस है. ये अभी आप लोग ऑब्वियसली मैं इसमें नहीं दिखा पा रही आप लोगों को, बट आप लोगों को फोटो में नज़र आई जा रहा है, तो टेंशन की कोई बात नहीं है. बिकॉज मैंने यही सोचा था कि मैं आप लोगों को साथ साथ फोटोज लगा के दिखाई जाऊंगी. ये देखो, एक ये ड्रेस है, सो गुड. ये तो मैं इसके बहुत जल्द आपको ये पहना नज़र आएगा, पर्पल कलर का. ये है टाइगर प्रिंट ड्रेस. और उसके बाद एक ये शर्ट है, नहीं ये शर्ट है कि क्या है, ये कुछ तो है, ये स्कर्ट है, स्कर्ट स्टाइल कुछ है ना ये. उसके बाद एक ये ड्रेस है, दिस इज टोटली समर वाइब ड्रेस. तो आगे समर्स में ये बहुत मजे का लगने वाला है, जब भी इसको पहनाऊंगी. आप लोग मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जरूर बच्चों को ये पहना देखोगे सारे कपड़े. एक ये इसका मीरा या मरवा का नाइट सूट है. अब इसमें नाइट सूट स्टार्ट हो गए, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी दिखाती जाती हूँ, व्लॉग ज़्यादा लंबा हमने नहीं करना. और एक ये ट्राउजर शर्ट है, ये सारे कॉर्ड्स हैं, टू पीस जो आउटफिट्स होते हैं वो है. ये भी एक इनका वो है नाइट सूट. ठीक है, उसके बाद ये भी एक, ये एक शर्ट है, टी शर्ट टाइप है, लेकिन इस पर आप लोग देखो कितनी प्यारी वो डॉल सी बनी हुई है, बहुत क्यूट लग रहा था ये मुझे. अच्छा, उसके बाद ये भी एक टी शर्ट एंड जीन्स टाइप कुछ है. ठीक है, उसके बाद ये है एक जीन्स, ये मरवा की जीन्स है. उसके बाद एक ये ब्लू कलर का ड्रेस है, बॉयज का है ये मैंने अपने भतीजे के लिए मंगवाया है, बहुत प्यारा लग रहा था ब्लू कलर का. जैसे मैंने पर्पल आपको बोला ना, आई जस्ट आफ्टर सम डेज मरवा को आप पहना देखोगे पर्पल वाला, सेम ही वैसा ही स्टाइल है. आप लोग फोटो में तो आप लोगों को नजर आ रहा होगा. तो बट दादी जब ये पहनेगा ना मेरा जो भतीजा है, फिर मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी. एक ये ड्रेस है, ये ड्रेस है कि हाँ ये आई थिंक ये ड्रेस ही है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वो है नाइट सूट है. ओके, द नेक्स्ट वन इज दिस, द नेक्स्ट वन इज दिस स्लीपिंग सूट, नेक्स्ट वन इज दिस स्लीपिंग सूट. ये सारे इसमें ना दो है, दो का सेट है ये. अच्छा भाई, तो उसके बाद एक ये जीन्स है, ये मीरा के, देखो जिस पे यूनिकॉर्न बना होगा ना वो मीरा का होगा क्योंकि मीरा लव्स यूनिकॉर्न. अच्छा, ये बड़े अरसे से मैं बच्चों का मंगवाने के लिए सोच रही थी, मुझे बड़ा ही पसंद है ये वाला ब्रश है, छोटा सा बड़ा क्यूट है, लेकिन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है. तो खैर, अच्छा ये एक ड्रेस है, टू पीस सेट है.
उसके बाद एक लास्ट रह गया, नहीं लास्ट ये भी दो रहते हैं, एक ये ड्रेस सेट है, ये तो पक्का मुझे लग रहा है स्लीपिंग सूट है, इतना हल्का सा है, अब मैं खोलूंगी तो पता चलेगा कौन सा क्या है। ओह नो, ये शर्ट है आई थिंक, ये शर्ट नहीं नहीं ये ड्रेस ही है, ये एक शर्ट है ठीक है। इसके साथ का पहला एक कलर मुझे लगता है गुजर चुका है, मैंने एक और कलर में पाया था पिंकिश या वो गाजरी कलर होता है वो, और एक ये मरवा का स्कूल बैग आया है लेकिन मुझे बहुत जिद करी कि मैंने ये कहीं साथ लेके जाना है, जैसे बाहर कहीं जाते हैं तो अभी देखो मैं स्कूल के लिए यूज करवाती हूँ या फिर कहीं वैसे रैंडमली। मरवा, दिस इज योर बैग एंड नेहा किधर गया, ढेर में गुम हो गया आपका बैग, चलो दिस इज योर बैग, ओके यू कैन चेक, इधर आके चेक करो मेरे पास बैग, आगे मेरे पास बैठो, वो देखो ब्लॉग चल रहा है, आप मेरे पास आ जाओ, इधर बैठो, ओके इधर, ओ रियली अभी नहीं पुट करना, हम लेके जाएंगे ना कहीं पे फिर, हां दिस इज क्यूट, छोटा सा मैम, मुझे तो लग रहा है ये आपका स्कूल बैग ही है पता है, दिस इज फॉर स्कूल, दिस इज टू बिग, दिस इज टू बिग फॉर ट्रैवल बेटा, हाँ इधर दिखाओ, वो ब्लॉग में दिखाओ कैसा लगा है, ए वो देखो उधर, इधर मुकर में, इधर वाओ दिस इज लुक सो, दिस इज लुकिंग सो क्यूट, लुक बोल रही हूँ मैं इंग्लिश की बेचारी ने कर दी, नहीं ये इधर जाएगा, ये इधर डलता है, मैं आपको फोटो दिखाती हूँ, हाँ बट ये यू हैव टू कीप इट हियर, ये देखो भी मरवा का ये वाला बैग है मरवा, ये दिस इज टू बिग, दिस कैन बी यूज फॉर स्कूल, अभी अभी नहीं मामा ने सेट करके देना, ओके अभी आपने पहनना नहीं है, मुझे पता आप लोगों ने गंदा कर देना है बस, तो अभी मैं ना ये सारा खलारा उठा लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ, क्योंकि खलारा उधर भी बहुत ज्यादा डला हुआ, अगर ये भी पड़ा रहा ना तो मेरा घर का बेड़ा गर्क हो जाना है, इसलिए अभी मुझे समेटना ज्यादा जरूरी है, अभी मैं ये सारा कुछ क्लीन अप करके ना फिर आप लोगों से दोबारा बात करती हूँ। 3 hours later. तो गाइस फाइनली अब मैं हुई हूँ फारिग और मैं चली गई थी शावर लेने, इतना ज्यादा जो अनबॉक्सिंग का खलारा डला था ना वो सारा समेटा है, हर चीज उसकी जगह पे रखी है, ऑर्गेनाइज करके कपड़े जहां जाने थे वहां रखे, एक्सेसरीज बच्चों के मेरे अपनी अपनी जगह पे रख के अब मैं हुई हूँ फ्री, थोड़ी देर पहले जाके मैंने शावर लिया है और अब मैं आई हूँ नीचे और अब मुझे लग रही है बहुत ज्यादा भूख, हसन भी आ चुके हैं, हसन ने खाना भी खा लिया था, हसन ऊपर बैठे हैं, बच्चे अपने कार्टून देख रहे हैं और मैं कुछ खाना खा के रात हो चुकी है, बस सोने की तैयारी होने वाली है और इस व्लॉग को हम करते हैं यहाँ पे एंड, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, आई होप आप लोगों ने ये व्लॉग बहुत पसंद किया होगा, व्लॉग से ज्यादा जैसे अनबॉक्सिंग थी बट स्टिल आई होप आप लोगों को मजा आया होगा, सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।